हेलो एवरीवन, वेलकम टू यमी रेसिपीज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन मलाई हांडी गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अगर आप कम टाइम में बनने वाली बहुत ही इजी और लजीज डिश बनाना चाहते हैं तो आप इस मटन मलाई की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले, 3 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ते, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंग। इन्हें ऑयल में ऐड कर देंगे और इन मसालों को 15 से 20 सेकेंड के लिए क्रैकल होने देंगे। अब देखिए, मसाले 15 से 20 सेकंड में क्रैकल हो चुके हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो 2 बड़े साइज़ की प्याज हमने ली हैं, इनको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब प्याज जो है हमने हल्का सा गोल्डन करना है, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पिंकिश कलर आने तक प्याज को फ्राई करना है। तो जैसे ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हल्की गुलाबी हो जाएगी, तो इसमें ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ हमने 800 ग्राम मटन लिया है, ये बोनलेस मटन है, आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। वैसे हम मटन मलाई हांडी बना रहे हैं तो ये बिना बोन के ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मटन को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं इसे मटन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं। अब देखिए, मटन अच्छी तरह से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने इसे भी 3 से 4 मिनट तक भूनना है ताकि लहसुन अदरक की जो रॉय स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जब लहसुन अदरक 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और साथ ही हमने इसमें डालना है पानी, तो 2 ग्लास पानी डालेंगे क्योंकि हम इसे खुले पैन में बना रहे हैं। और अगर आप इसे कुकर में बनाएं तो सिर्फ 1 ग्लास ही पानी डालिएगा। अब इसे लिड से कवर कर देंगे और 30 से 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में इसे 1-2 बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने लिया है दही, 1 कप दही है। वेट में अगर देखें तो ये 250 ग्राम दही है। फ्रेश दही लीजिएगा, ज़्यादा खट्टे दही का हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, साथ ही 10 से 12 काजू को हमने पानी के साथ पीसकर इसका पेस्ट बना लिया था, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई भी लम्स वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे साइड पर रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मटन पकते हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत ही पानी इसमें बचा है, इसे चेक कर लेते हैं। मटन अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखें। अब इस बचे हुए पानी को भी हम हाई फ्लेम पर खुश्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ये अच्छी तरह से भुन भी गया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दही वाला मिक्सचर, जिसमें हमने काजू और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया था, ये ऐड कर देंगे। दही डालते टाइम फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और दही को मटन के साथ 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। इसे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जब इसमें उबाल आने लगेगा तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च यानी दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब हमने इसमें ऐड करनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पहले तवे पर 1/2 से 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, फिर हाथ से क्रश करके इसमें ऐड कीजिएगा। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर और पकाएंगे ताकि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो सब अच्छी तरह से भुन जाएं। अब देखिए, 3 से 4 मिनट से पका लिया है, दही का सारा पानी भी खुश्क हो चुका है, मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो मैं यहाँ पर 1/2 कप के जितना क्रीम ऐड कर रही हूँ।
ये मार्केट वाली क्रीम है, आप चाहें तो इस क्रीम की जगह घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। क्रीम डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी और वेलवेटी होता जाएगा। क्रीम डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक और भून लिया है। आप देखें इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तो बस देखें हमारी बिल्कुल स्मूथ क्रीमी और वेलवेटी टेक्सचर वाली मटन मलाई हांडी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ और वेलवेटी है। अगर आप कम टाइम में बनने वाली बहुत ही इजी और लजीज डिश चाहते हैं तो आप इसे ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मटन मलाई हांडी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।